लो माजी साहब, जिसकी बात कर रहे थे वो आ गया। बहुत लंबा जलेगा ये कुलदीपक। जय हमारा बेटा श्याम। भड़ी हो वे। अरे तूने तो बताया ही ना कि तू मदन सिंह का छोरा है। नाम पता तो पूछा था थारे से, कैसे गोल गोल बातें बना के टाल गया। ये छोरा है ना थारो, बहुत तेज है। दुनिया देखी है मैंने, पर मने भी पानी पड़ा गया। अरे मासा, इसकी हमारी जगदीशिया से बड़ी बनती है। और अब तो हवेली में इतना आना जाना हो गया इसका, पूरा घर का ही सदस्य लगता है। अरे श्याम भाई जी, कैसे हो? चाय पियोगे? मैंने थोड़ी ज्यादा ही बनाई थी। वो रसोई की खिड़की पे ना कागला बोल रहा था, तो मुझे तो लग ही रहा था कि कोई ना कोई जरूर आएगा। आनंदी, तुम पहले इनसे मिल लो, ये मेरे पिताजी हैं। गणी खम्मा। खम्मा गणी बेटा। श्याम भाई जी, आपने तो वचन दिया था ना कि आप जब भी आओगे तो मुझे और जगह। मतलब मेरी बीन को कंप्यूटर ठीक से चलाना सिखाओगे? पर आप तो आते ही नहीं हो, कंप्यूटर ही बड़ा बड़ा पीला हो गया है। और श्याम भाई जी, कंप्यूटर में तो इतनी सारी चीजें हैं कि मेरी उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, और मुझे भी नहीं। छोरी अंदर जा, एक कप चा और ले। हाँ तो मदन सिंह, क्या बताया था तूने? कहाँ पढ़ाई लिखाई की है इसने? हाँ, जोबनेर के कृषि विश्वविद्यालय से बहुत बड़ी पढ़ाई करके आया है। हाँ, ये बात अलग है कि पढ़ाई करके जब से गांव में आया है, ज्यादातर सड़कों पे दिखता है। अब क्या करें, आजकल के छोरों को कोई काम काज का होश तो है को नहीं, है भाई जी? अरे मदन सिंह, अभी उसकी इतनी उम्र कहां पे हो गई जो तेरे खेतों को देखेगा? हाँ, अपने दिन भूल गया? मूछे आने तक गांव भर में तीतर पकड़ता फिरता था तू, और तेरा दाऊसा सोटे लेके तेरे पीछे भागता रहता था। हाँ बोल। अरे वो तो तेरा लड़का बड़ा तेज है, ऐसी बात सोची उसने जो इतने सालों में हम नहीं सोच पाए। छोरा किसका है? बेटे की तारीफ हो गई तो अपना नाम आगे कर दियो, बारे छोरे के बापू। चल श्याम आजा, जरा समझा तो सही ये क्या क्या कैसे होगा। देखिए, यहाँ जो पहली जमीन पड़ती है नहर के पास, हमें काम वहीं से शुरू करना है। मासा, आपने बुलाया था मासा?
हाँ, थारे से कुछ जरूरी बात करनी है। जी, वो वसंत भाई साहब ने बताया था वो नहर वाली योजना के बारे में, अच्छी लगी मुझे तो। मुझे तो लगता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कुछ और बात करनी है, थारे मन में क्या है ये जानना है। मतलब मासा, किस बारे में? जब तुम अचानक मुझे छोड़ के चले गए प्रताप, तो तुम्हारी दी हुई चीजों को देख के तुम्हें याद करती थी, मगर दादी साहब ने मुझसे वो सब छीन ली। फिर जब तुम्हारी इस निशानी का पता चला, तो मैंने सोचा अब इसके सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी, मगर नहीं, तारी साई से भी मुझसे छीनना चाहती थी। मैं खूब रोई प्रताप, मैं खूब रोई। तुम भी बहुत दुखी हुए होंगे ना, मगर अब दादी साहब मान गई है, अब तो तुम खुश हो ना प्रताप, क्योंकि तुम्हारी सुगना भी खुश है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। थारी भड़ी हो गए। अरे, कुछ ही महीनों में बदनामी की आंधी जो आने वाली है, उस बारे में कह तो दिया कि छोरी कहीं ना जावेगी, जही रहेगी, आगे क्या होवेगा? कुछ समय के लिए तो सुगना को छिपा के रख लेगा कोठरी में, पर जब जापे का वक्त आवेगा तब क्या करेगा, कैसे छिपावेगा दुनिया से जब पाप? मासा, मैंने तुम्हारी बात पूरी ना हुई अभी। अब ध्यान से सुन, और अगर ईश्वर ने जरा भी बुद्धि दी है थारे को, तो वही करेगा जो जो ढोकरी बोले। मैंने थारी एक बात मान ली, अब तने भी मारी एक बात माननी पड़ेगी। तुम होते तो कितना अच्छा होता प्रताप, हम दोनों मिलके अपने बच्चे को पालते। पर मैं तुम्हें वचन देती हूँ प्रताप, तुम्हारी इस निशानी का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, खूब प्यार दूंगी उसे, तुम्हारे हिस्से का भी प्यार दूंगी प्रताप, एक पल के लिए भी अपने से दूर ना होने दूंगी उसे, हर चीज का ख्याल रखूंगी, हर चीज का। मौसा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे सुगना से कि उसने उसने मरे वो बच्चे को जन्म दिया है? तो और क्या करेगा भैरों, नाना बनने की खुशी में लड्डू बांटेगा गांव में, गोद में लिए घूमेगा उसे, लोरी सुनावेगा। अरे, सुगना सिर्फ विधवा ना है, घर बैठी विधवा है। ऐसी छोरी मां बन जावे तो पता है लोग क्या नाम देवे उसे, कुमारी मां, कुमारी मां। पुस्तों की काड़क पुत जावेगी इस घर पे, गंगा जी में कूद के जान दे देवेंगे ना तो भी ना धुड़ेगी जकालक, समझ गया? मैं सब समझता हूँ मासा, सब समझता हूँ मैं, लेकिन बदनामी के डर से इतना बड़ा झूठ कैसे डर से ऐसा? थारी राय ना मांगू मैं, अपना फैसला सुनाऊं,
ध्यान से सुन। अपने जापे के आखिरी 3 महीनों में सुगड़ा गांव से दूर जावेगी, भीखो के गांव मंडा में रहेगी। भीखू आके ले जावेगा उसे। यदि अब भी समझ में ना आवे और अपनी संतान की बहुत चिंता सतावे तो तू भी साथ चला जा, पर थारी छोरी इस घर में जे बच्चा ना जनेगी, चाहे कुछ हो जावे। बच्चा पैदा हो जाने के बाद सुगुणा से कह देना कि बच्चा जिंदा बचाना और छोरी को वापस घर ले आना। उस बच्चे का क्या होगा मासा? उसके साथ? अरे मेरा, माँ का दिल मारे सीने में भी है, कोई पत्थर की तो ना बनी मैं। बच्चे को किसी अच्छी जगह भेज देवेंगे, उसके पालन पोषण में कोई कमी ना रहेगी। बस ये किसी को पता ना चलेगा कि वो कहाँ है और किसके पास है। लेकिन मासम, बस भैरो, मैंने पहले ही बोल दिया था थारे को, मारी जेब बात तो तने माननी पड़ेगी। अब भी अगर अपनी करना चाहे तो याद रखना, अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा तू। मासा ऐसा मत कहिए, कम से कम जरा ये तो सोच कर देखिए कि सुगना ये दुख कैसे सहन करेगी। प्रताप के जाने के बाद उसके जीवन में खुशी और उम्मीद के नाम पर ये सिर्फ बच्चा ही तो है। मासा अगर उसे भी छीन लिया तो मेरी बच्ची ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी। बहुत रात हो गई, चलो अब सो जाओ। मैं भी भगवान से प्रार्थना कर लूं, मैं सो जाऊंगी। पता है क्या मांगूंगी मैं भगवान से? ये कि जल्दी से तुम्हें मेरी गोद में दे दे, फिर हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे, खूब बातें करेंगे, हमेशा साथ साथ रहेंगे, खुशी खुशी। पर मासा इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती हैं? सुमित्रा, मासा की एक बात के खिलाफ तो मैं खड़ा हो गया, लेकिन जब उन्होंने जान देने की बात की तो मैं क्या कहता? माँ है वो मेरी। हमारी सुगना के साथ सब क्यों हो रहा? इतनी सी उम्र में क्या क्या देख लिया उसने, और आगे भी न जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। आपके जाने के दुख से उभरी ना थी अब तक, और अब ये सब। समाज और बिरादरी को लेकर मासा का जो डर है वो गलत ना है? ये बात सबके सामने आ गई तो क्या होगा? ये सोचकर ही मन कांप जाता है। पर अपनी बच्ची के साथ वो भी तो नहीं कर सकती जो मासा चाहती। ये क्या कर लिया तूने सुगना? इस बार मेरे माँ बाप चाहकर भी पूरी तरह से तेरा साथ ना दे पाएंगे। भूल तो हुई है सुगना से सुमित्रा, पर उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं जो कम उम्र में उसके ब्याह के लिए तैयार हो गया। बेटी से माँ बाप की लाज रखने में चूक हुई है, लेकिन मैं अपने पिता होने का फर्ज कैसे भूल सकता हूँ? दुख तो इस बात का है कि फिर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मत सोचिए,
बहुत कुछ किया है आपने सुपना के लिए। मासा के सामने खड़े होकर अपनी बेटी को यहां से कहीं और भेजने से रोका है आपने। बहुत बड़ा कदम है ये, मैं जानती हूं आने वाला कल बहुत कठिन होगा, पर हम दोनों को धीरज से काम लेना होगा। जब समय आएगा हम सोचेंगे क्या करना है। अभी तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, शायद वो सुन ले हमारी बात और कोई रास्ता निकल आए। ले आरती शुरू कर। मासा जी जी उसका बरात है आज, मंदिर गई है। गणे खम्मा, खम्मा गणे आइए। जब कोई बार बार आवे तो ऐसे कड़ी मत रहकर चुपचाप कोठरी में चढ़ जाया कर, ना तो घर की बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी, समझी क्या ना? रूढ़ियों में जकड़े लोग अक्सर समाज के भय से सही और गलत के अंतर को भुला बैठते हैं या भूल जाना चाहते हैं।